आप सबका स्वागत है और हम लोग जो है नूह के अध्ययन को आज हमारी उसकी अंतिम कड़ी है और इसके बाद जो है हम जो है मूसा के तंबू पर आएंगे कि कैसे मूसा का तंबू भी जो है आने वाले प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। सो नूह के जो बच्चे थे वे जो है सारी पृथ्वी पर फैलने लगे और दसवें अध्याय में नूह की वंशावली दी हुई है और ग्यारहवें अध्याय में आकर के यदि आप देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण चीज दी है और वो ये कि सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा थी, एक ही भाषा जो है लोग बोलते थे और वे एक मीनार बनाने लगे और लिखा है वे फैलना नहीं चाहते थे। परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली और वे लोग पृथ्वी पर फैल गए और ये एक प्रकार का श्राप था जो ये बताता था कि लोग पृथ्वी पर फैलना नहीं चाहते थे और परमेश्वर ने उन्हें इस भाषा की गड़बड़ी के द्वारा फैला दिया। लेकिन आप नए नियम में आएंगे प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में और वहां पर जो है पतरस और कलीसिया के लोग जो हैं एक जगह इकट्ठा थे मंदिर में और पतरस जब प्रचार करने लगा तो फिर से पवित्र आत्मा उतरा और लोग अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे और जो वहां लोग थे वे अपनी अपनी भाषाओं में उनको बोलते हुए सुन रहे। एक आश्चर्य कर्म हुआ, जो श्राप था वो परमेश्वर ने आशीष में बदल दिया अपने कलीसिया में। सो इसीलिए जो है हमने इस हिस्से को लिया कि बेबीलोन जो नाम पड़ा था इस जगह का वो प्रेरितों के काम में जो है आशीष का कारण हो गया और वो आशीष जो परमेश्वर ने उस दिन पेंतिकुस के पर्व के दिन दी वो आज तक जारी है, आज तक जारी है। सो बेबीलोन से जो आरंभ हुआ वो पेंतिकुस और आज तक जारी है और दो हिस्सों में जो है लैंग्वेज का बंटना हो गया। शैतान भी सारी लैंग्वेजेस जानता है, ऐसी दुनिया में कोई लैंग्वेज नहीं है जिसको बोलने वाले पाप रहित हो, चाहे वो हिब्रू ही क्यों न बोलते हो लेकिन वो पाप में फंसे पड़े हैं और उनको भी प्रभु की जरूरत है। और बेबीलोन का वर्णन जो है उत्पत्ति में आया और उसके बाद प्रकाशित वाक्य में भी आया। प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में बेबीलोन जो है एक प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में उसका वर्णन आया। सो इतना महत्वपूर्ण नाम था ये और बेबीलोन का अपना इतिहास रहा है और परमेश्वर के लोग जो है जानते हैं और आज हम इस जगह को, इस बेबीलोन को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और आने वाले प्रभु यीशु मसीह और विशेष करके पवित्र आत्मा के द्वितीय आगमन के बारे में जो है ये शहर बताता है। सो आए हम अपने अध्ययन पे चले। सो मैं बाइबल में से पढ़ रहा हूं उत्पत्ति की पुस्तक 11वां अध्याय पद 1 से 9 आयत तक। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटे बना बना के भली भांति आग में पकाए और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूनी के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के और भाषा भी उन सब की एक ही है और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे
उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़े डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है सो यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी पर फैला दिया। सो आए हम अपने अध्ययन पर चलें। सो बेबीलोन जो है वो स्थान का नाम जिसका वर्णन उत्पत्ति की पुस्तक में और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दोनों जगह आया है, और जो है बेबीलोन का मतलब जो है परमेश्वर के वचन में बताया गया है वो जगह जहाँ गड़बड़ हुई थी, भाषा में गड़बड़ हुई थी। नौवीं आयत 11वें अध्याय की उत्पत्ति की पुस्तक। सो और मात्र कुछ ही दिनों में जो है ये श्राप जो है पृथ्वी के लोगों पर आ गया। और जैसे मैंने बताया कि 8वां, 9वां और 10वां अध्याय, 10वें अध्याय में जो है रास्तों का उदय हुआ और 11वें अध्याय में ये श्राप आ गया। सो ये देखें आप, आदम से लगा करके 11वें अध्याय में जो है श्राप आया, और श्राप भाषा की गड़बड़ी के कारण आया, भाषा की गड़बड़ी के कारण आया, और परमेश्वर ने इन लोगों को जो है सारी पृथ्वी पर फैला दिया। हालांकि आज विज्ञान के द्वारा हम जानते हैं कि 300 किलोमीटर के ऊपर पृथ्वी के वायुमंडल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। सो वे उसके बाद कभी ऐसा संभव होता भी कि इतनी ऊंची बिल्डिंग बना लेते जो स्पेस में जा सके, तो भी ऑक्सीजन के जो है सुविधाएं नहीं थी। सो ये असंभव था कि वे आकाश से बातें कर रहे हैं और परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच जाए, जो संभव ही नहीं है। सो ये आज हमको मालूम पड़ता है, लेकिन परमेश्वर ने चूंकि ये फैलना नहीं चाहते थे और परमेश्वर ने भाषा की गड़बड़ी श्राप के रूप में डाली, और ये श्राप को परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में आशीष के रूप में जो है भेजा, जिसका वर्णन हमने प्रकाशित वाक्य के 2वां अध्याय पेंटिकोस्ट के पर्व के दिन देखा कि भाषाएं जो है आशीष के रूप में कलीसिया में लोगों पे, प्राचीनों पे जो है प्रेरितों पर आया, और मनुष्य के मन में जो है मात्र कुछ दिनों में ही जो है ये गड़बड़ी और ये श्राप आ गया। और देखिए नू जो है यहाँ पर उसका जल प्रलय खत्म हुआ, और नू से जो है परमेश्वर ने कहा कि 120 वर्ष की आयु होगी, और इस जगह पर जो है बेबीलोन का ये टावर जो है ये गुम्मत बनाया जाने लगा। और इसके बाद में 13वें अध्याय से 11वें अध्याय की अंतिम कुछ आयतों के बाद में 12वां अध्याय जो है वो अब्राहम से शुरू हो जाता है। सो 12वां अध्याय से अब्राहम जो है पूरे 50 अध्याय उत्पत्ति तक, फिर अब्राहम, इजाक, याकूब और यूसुफ, ये 4 महत्वपूर्ण कैरेक्टर रहे, परमेश्वर के ये हीरो रहे। अब्राहम से लगा करके जो है यूसुफ तक, और फिर दूसरी किताब में, बाइबल की दूसरी किताब निर्गमन जो है मूसा का काल शुरू हुआ। मूसा ने परमेश्वर से व्यवस्था पाकर लोगों तक पहुंचाई, और फिर ये जैसा हम देखते आए हैं, और आज का ये हिस्सा जहां हम रह रहे हैं वो ये वाला हिस्सा है, हम यहां पर हैं इस जगह पर।
सो फिर से जो है आने वाले समय के लिए बेबीलोन जो है ये बात बताता है, और बेबीलोन का जो मतलब है कि गड़बड़ वाला स्थान, और प्रभु यीशु मसीह के पहले जो है बेबीलोन में एक इसका जो विश्लेषण है बिबी इलू, इसका मतलब होता है गेट ऑफ गॉड, गेट ऑफ गॉड या परमेश्वर का द्वार, और जो है एकमात्र ऐसा शहर जिसने एक समय पर सारी पृथ्वी पर राज्य किया, और वो समय था नबुकदनज़र का, जब सारी पृथ्वी पर उसने राज्य किया, और बेबीलोन शहर आज का इराक उस समय का बेबीलोन है, जो तिग्रिस और यूफ्रात या फरात नदी के बीच में है, और जो है सीरिया के जो है पूर्व में ये पाया जाता है, इज़राइल के भी पूर्व दिशा में ये शहर पाया जाता है, जिसे पुराने समय में बेबीलोन कहते थे, आज इराक का इराक के नाम से इसको जानते हैं। आज भी फरात नदी यहां पर बहती है, और इसकी सभ्यता जो है वो जो है 3200 साल से 2000 साल ईसा पूर्व जो है सुमेरियन सभ्यता जो है यहां पर पाई जाती थी, और यहां के जो लोग थे वो लड़ाके थे, और बाइबल में इसका वर्णन जो है हिजकिय्याह के समय में आया, कि हिजकिय्याह जब अपनी बीमारी से अच्छा हो गया तो उसको मिलने बेबीलोन के लोग आए, और उसने बगैर परमेश्वर की सलाह लिए हुए उन लोगों को अपना सारा खजाना दिखा दिया। तब यसायाह ने हिजकिय्याह से कहा, जो कुछ उन्होंने देखा है वे एक दिन सब ले जाएंगे, और ऐसे ही हुआ। और जो जैसा मैंने बताया कि सुमेरियन सभ्यता जो है यहां पर विकसित हुई, और यहां के लोग जो है वो लड़ाके होते थे, और सारी दुनिया में ऐसा समय आया कि नबुकदनज़र के समय में सारी दुनिया पर इन्होंने राज्य किया, और इसके बाद ये राज्य जो है ग्रेट ब्रिटेन के पास भी आया, ऐसा कहा जाता है कि उनके राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, जहां जहां ब्रिटेन का राज्य था वहां पर भी सूर्य अस्त नहीं होता था। सो जो है ये उसका इतिहास है कि कैसे जो है नबुकदनज़र तक ये जो है हिस्सा, और परमेश्वर ने अपने लोगों को सिखाने के लिए, अपने लोगों को दंड देने के लिए नबुकदनज़र जो एक गैर इजरायली राजा था उसके मदद से जो है अपने लोगों को सिखाए, और बाद में परमेश्वर कहते हैं कि जैसे मैंने मूसा के समय फिरौन के हृदय को कठोर किया, वैसे ही नबुकदनज़र को भी जो है परमेश्वर ने मौका दिया, और परमेश्वर के इस भव्यता को नबुकदनज़र ने दानियल की पुस्तक में वर्णित किया कि अब मैं जान गया हूं कि सारे स्वर्ग और पृथ्वी पर एक ही राजा राज्य करता है, और वो कोई और नहीं, वो यहोवा परमेश्वर है। और परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि नबुकदनज़र, फिरौन, ये मेरे लोग हैं, और मैं इन पर भी दया करूंगा। सो हम सब के लिए खुशी की बात है कि फिरौन और नबुकदनज़र के जरिए परमेश्वर हमारे जो है पूर्वजों के लिए भी अनुग्रह का एक हिस्सा रखता है। और जो है बाइबल में जो है जैसा मैंने बताया कि ये लोग बेबीलोन के लोग जो थे वो लड़ाके हुआ करते थे, और जो है अपने राज्य को फैलाने में
और यही वो समय था जब यिर्मयाह जो है परमेश्वर के वचन पा पा करके लोगों को चेताता रहा कि देखो नबूकदनेस्सर आ जाएगा, लोग माने नहीं। परमेश्वर ने कहा एक पत्थर ले, इस पत्थर को रख दे, और इसी पत्थर पर एक दिन नबूकदनेस्सर आकर के बैठ करके इन लोगों का न्याय करेगा। यिर्मयाह ने ऐसे ही किया और नबूकदनेस्सर आया और उसी पत्थर पे बैठा जहां परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा था कि वो पत्थर रख दे। और उसने कहा यिर्मयाह से, अपने सेनापति से कहा, इस देश में परमेश्वर का एक नबी है जिसका नाम यिर्मयाह है, उसको बुला ला। और जब यिर्मयाह को लाया गया तो उसने कहा, देख जैसा तेरा परमेश्वर ने तुझ द्वारा जो है कहा था वैसा ही मैं कर रहा हूं, तुझे भला लगे तो मेरे साथ चल, अन्यथा यहां रहना चाहे तो यहां रहे। और यिर्मयाह ने निर्णय करा कि वो यहां रहेगा, इज़राइल में रहेगा, भले तकलीफ में रहे, गुलामी में रहे, लेकिन अपने देश में रहेंगे। और यिर्मयाह जो है उस समय दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये छोटे छोटे बच्चे थे जिसका वर्णन दानियल ने करा है। और ये लोग जो है बेबीलोन की गुलामी में चले गए। और दानियल जो है उन 70 सालों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा बेबीलोन में। सद्रक, मेशक, अबेदनगो भी उसके साथ में महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे। और एस्तर रानी जो है उस दौरान हुई, और उसी दौरान जो है यहेजकेल नबी भी हुआ जिसने परमेश्वर के वचन पा पा करके लोगों को समझाइश दी। और जब वहां से 70 साल की गुलामी से जब रिटर्न हुए तो साथ में आए एज़रा, नहमिया, जरुबाबेल, ये लोग आए और फिर उस मंदिर को फिर से बनाया गया, लेकिन वो मंदिर पहले जैसा नहीं रहा। और यहां से जब नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पे अटैक किया तो एक बार नहीं, वो तीन बार उसने अटैक किया। और ऐसा कहते हैं कि दीवारों में भी सोना था, उस सोने को उसने गला गला करके निकाला और मंदिर और हर घर यरूशलेम का जला दिया गया। और यहां से वाचा का संदूक परमेश्वर ने जो हटाया, तो वो वाचा का संदूक आज तक रहस्यमय बना हुआ, पृथ्वी का वाचा का संदूक। लेकिन स्वर्ग में यदि 11वें अध्याय में देखें प्रकाशित वाक्य में, तो वाचा का संदूक दिखाई दिया, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को कहा था जैसा तुझे दिखाया गया वैसा बनाना। तो वाचा का संदूक जो स्वर्ग में वो तो है ही, लेकिन पृथ्वी के वाचा के संदूक को परमेश्वर ने लोगों से छिपा के रखा। और बाइबल में जो है जैसा इसका वर्णन, नबूकदनेस्सर का राज्य जो है 604 से 552 ईसा पूर्व तक रहा। और बेबीलोन का वर्णन जो है दूसरा राजा 24वां अध्याय 1 से 25 आयत और 21वीं आयत, इन सब जगह बेबीलोन, और बेबीलोन जो है बार बार ये शब्द आता रहा। और जैसा मैंने बताया कि उत्पत्ति से लगा करके प्रकाशित वाक्य तक जो है बेबीलोन जो है वो शब्द आता रहा। और मैंने बताया कि कैसे दानियल नबी की अगुवाई में इजरायली लोग बढ़ते रहे। दानियल राजमहल में था तो राजमहल के बाहर जो है यहेजकेल था, और लोग गुलामी में तो थे, और इसके बाद जो है एस्तर रानी। और दूसरा राजा, दूसरा इतिहास, दानियल, एज़रा, नहमिया, इन सब ने जो है इस काल को जो 70 साल का गुलामी का काल था वर्णन किया है। और जो है यिर्मयाह ने, जैसे मैंने बताया कि आधे से ज्यादा यिर्मयाह के पुस्तक में इस बात का वर्णन है कि बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर इज़राइल पर आक्रमण करने आ रहा है, और इसकी शुरुआत यहेजकेल से हो गई थी, यसाया से हो गई थी। यसाया ने बोला कि
हिजकिया से कि जिनको तूने अपना खजाना दिखाया वे लोग आएंगे। और ये देखें बेबीलोन में प्राचीन समय का हैंगिंग गार्डन था, जो प्राचीन काल में एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड था, प्राचीन काल का एक वंडर था, हैंगिंग गार्डन ऐसा बोलते हैं। और ये वो टावर जो है, जो लिखा है, जिसे बनाने में वो परमेश्वर ने श्राप डाला भाषा के रूप में, और टावर का बनाना रुक गया और उस जगह का नाम बेबीलोन पड़ा, जिसका वर्णन हमने देखा 11वां अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक और 3-9 आया। और यही जो चीज थी वो परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य के 18वां अध्याय में भी कही। और बेबीलोन जो जगह थी वो प्रकट करता था, सिंबल था रिलीजियस कंफ्यूजन के लिए, फॉल्स डॉक्ट्रिन के लिए और दूसरी अन्य चीजों के लिए, कर्मों के द्वारा उद्धार, ये शिक्षाओं के लिए। लेकिन ये बेबीलोन का प्रतीकात्मक चिन्ह है। और इस जगह जो है कंफ्यूजन जो हुआ था और भाषाओं में गड़बड़ी जो है डाली गई थी, लेकिन ये श्राप आशीष में बदल गया जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद जो है 49वें दिन जो पेंटिकोस्ट का पर्व था, जब चेले और प्राचीन लोग मंदिर में इकट्ठा थे, वे परमेश्वर का आत्मा जो है उन पर वो अग्नि के रूप में आया और सब लोगों के ऊपर ठहर गया और वे लोग अन्य भाषाएं बोलने लगे। सो परमेश्वर ने श्राप को आशीष में बदल दिया और वो आशीष आज तक जारी है। सो ग्रहण करने वालों ने इसे ग्रहण किया, अन्यथा नकार देने वालों ने इसे नकार भी दिया। और नबूकदनज़र का वो गेट, जैसा मैंने बताया कि हैंगिंग गार्डन नबूकदनज़र ने बनवाया था, जो पुराने आश्चर्य कर्मों में एक था, और जो है और पुरातत्व विशेषज्ञों ने बेबीलोन की वो जगह खोज ली जहां एक समय वो हैंगिंग गार्डन था, जहां एक समय नबूकदनज़र का राज्य था। और मैंने बताया आपको आज पुराने समय का बेबीलोन, आज का इराक, जिसके पीछे से जो है फरात नदी आज भी बहती है, ये वो बेबीलोन और इजराइल के पूर्व स्थान में, और इसके उत्तर में जो है निनवे नगर था, निनवे नगर। और बेबीलोन जो है इसको पुराने समय में मेसोपोटामिया के नाम से भी जाना गया। और जैसे मैंने बताया इज़राइल के पूर्व में और जो है ये टिग्रिस नदी और ये फरात नदी और इनके बीच में बेबीलोन या आज का इराक। और जैसा कि बेबीलोन प्रतीक था फॉल्स रिलीजन का, फॉल्स डॉक्ट्रिन का, सारी बुराइयां जो थी इसमें पाई गई। और पुराने समय में इसको व्यभिचार का गढ़ दिखाया गया, व्यभिचार का गढ़ कहा गया, संसारिक और शारीरिक बातों से भरपूर वो सारी बुराइयां इसमें पाई गई। और परमेश्वर ने जो 18 अध्याय प्रकाशित वाक्य का कहा, उसमें कहा कि बेबीलोन को वो नष्ट कर देंगे, इस सारी बुराइयों को नष्ट कर देंगे। और जो गुलामी का समय था वो 586 साल पहले जो है मसीह यीशु के वो गुलामी का साल था। और देखें ये फरात नदी, यूफ्रात नदी या टिग्रिस रिवर या टिग्रिस नदी, तो इन दोनों के बीच में ये बेबीलोन और इज़राइल के पूर्व में, सीरिया के भी पूर्व में जो है ये बेबीलोन पाया जाता था।
और थोड़ा सा और क्लोजअप में ये फरात नदी, ये जो है टिग्रिस नदी और ये नीनवे, ये बेबीलोन का, और बेबीलोन के पास में ही गार्डन ऑफ ईडन, अदन का बगीचा यहां पाया जाता था। और उसको सींचने के लिए जैसा उत्पत्ति की पुस्तक में आया है तीसरे अध्याय में कि फरात नदी, टिग्रिस नदी और दो और नदियां थी जो इसको सींचने के लिए परमेश्वर ने बनाई थी। और इसके बाद आदम जो है यहां था और पूर्वी स्थान में जो था, और पूर्वी स्थान से आदम को निकाला था, इसी पूर्वी दिशा से आपको याद हो मसीह यीशु के लिए ज्योति से आए थे, और मसीह यीशु के दर्शन के लिए वो ज्योति से आए, ऐसा बोलते हैं, वो एशिया से आए, एशिया से आए। आदम को निकाल दिया इस गार्डन से जो पूर्व दिशा में था, और मसीह यीशु के कारण परमेश्वर के लोगों की पहुंच परमेश्वर तक हुई। सो एक आदमी के कारण सारे लोगों को पाप जो है वो सहना पड़ा, तो दूसरे आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह के कारण जो है सब लोगों को परमेश्वर की नजदीकी मिली। ये वो रहस्य थे बेबीलोन और गार्डन ऑफ ईडन के। लेकिन कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नकार दिया और कई लोगों ने स्वीकार किया। जिन्होंने स्वीकार किया उनके लिए कुछ अलग रिवार्ड है, और जिन्होंने नकार दिया उनके लिए अलग रिवार्ड है। हमारे पास भी ऑप्शन है, या तो यीशु मसीह को स्वीकार करें या उसे नकार दें। आपको मैं बता दूं कि यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना आपका इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा निर्णय होगा, आपको जिसके लिए कभी पछताना नहीं पड़ेगा, और यह निर्णय आपको अनंत जीवन तक लेके जाएगा। प्रभु ऐसा करने में आप सबकी सहायता करें। आए दुआ करें। प्रभु जी आपके पास आता हूं, धन्यवाद देता हूं इस महानता के लिए प्रभु कि जिसका वर्णन आपने उत्पत्ति के उस 11वें अध्याय में किया, वो प्रकाशित वाक्य में भी आप उसका वर्णन करते हैं। और प्रभु आपने उस समय के लोगों के सामने भी यह ऑप्शन रखा कि या तो प्रभु को स्वीकार करो या उसे नकार दो। आप चाहते तो उन्हें रोबोट जैसा बना सकते थे कि कोई आपकी आज्ञा को ना नहीं कह सके, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने अनुग्रह किया। और प्रभु आज मैं उस अनुग्रह को समझता, धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आपने मेरे जीवन के द्वारा बातें करी, मेरी आंखों को खोला, मेरे कानों को खोला, मेरे हृदय को खोला। प्रभु मेरे हृदय में प्रवेश करें, मुझे अपना बेटा बेटी बनाए, और जो श्राप हम वर्षों से झेलते आ रहे थे आपने उसे अपने पवित्र आत्मा के दिन पेंटिकोस्त के दिन आशीष में बदल दिया। प्रभु जीवन में कई श्राप हमारे पूर्वजों के कारण, हमारे लोगों के कारण है, हमारे अपने कारण है, उन सारे श्रापों को यीशु के नाम से, यीशु के लहू से, यीशु के पुनरुत्थान के सामर्थ्य के द्वारा यहोवा परमेश्वर के नाम से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बांधते हैं। और प्रभु जी इन श्रापों को आशीष में बदले कि जीते जी हम आपके कहलाए और मरते दम तक आपके कहलाते रहे, और जब अंतिम न्याय हो तो प्रभु आप मुझे अपने साथ अपने राज्य में ले। धन्यवाद प्रभु ऐसा करने के, मैं अपना जीवन आपको समर्पित कर रहा हूं, मेरे जीवन में आए और प्रभु मेरे जीवन का स्वामी बने। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, आमीन। और फिर There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other God.